नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा के सुभाष चौक माही सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती मनाई गई। अवसर माही पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा में माल्यार्पण कर उनका श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथ ही आजाद हिंद फौज के महानायक सुभाष चंद्र बोस के जयंती माही समाज सेवी सुभाष श्रीवास्तव सिद्धार्थ श्रीवास्तव के साथ है बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच के श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने बता दें कि देश की आज़ादी में ही सुभाष चंद्र बोस के नाम सुनहरे अक्षरन में लिखा जाता है। आजाद हिंद फौज के नायक आजादी के समय तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे जैसा नारा बुलंद करे रहे हम। आज के जयंती समारोह में हम सबके जीवन उपस्थित हैं। समझा पाटिल जी जो नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, आदरणीय शिखा सिंह तिवारी जी पटना से छात्र संघ के योगदान को देश याद करके आज उनको नमन कर रहा है। उसी तरीके से आज रीवा में भी सुभाष तिराहे में उनको श्रद्धांजलि दी गई है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और इतना दबाव था उनके इस अभियान का कि अंग्रेज़ों ने मैदान छोड़ के इस देश को छोड़ने पर मजबूर हुए थे। और इसलिए ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक को आज हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दे के उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। बिल्डर और पेटी कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के चलते आए दिन जहां श्रमिक अपन जान गबावल रहा वह हाथ पैर गमाए के घरों में बैठे हैं। आलम यह है कि पूंजीपतियन के सामने शासन और प्रशासन नतमस्तक है जोने के चलते श्रमिक के मौत के बाद शिकायत तो जांच के नाम पर खाना पूर्ति के मामला दबाए दिन जात है। ताज़ा मामला आया अमहिया थाना क्षेत्र से जहाँ के अर्जुन नगर माही निर्माणाधीन भवन में गिरे से मोहम्मद जावेद नामक श्रमिक के दर्दनाक मौत हो गए। फिलहाल पुलिस शव का ही मोर्चुरी में पहुंचाए देने और पोस्टमार्टम करावे के बात कह रही है। जबकि परिजन ये बताएं कि ठेकेदार 3 महीना से श्रमिक के वेतन रोके रहे हैं जोने के पिछले 3 महीने से दोनों के बीच मांझ होने के कारण विवाद चला रहा। अभी क्या स्थिति है क्या पता चला है? वो 11 बजे रात है फोन किया, जब हम लोग आए तो मेरे बच्चे को मोबाइल से बात किया और वो मोबाइल लेके भाग गया। जब हम लोग आए तो हमें लोगों को कोई नहीं मिला। फिर क्या आपने देखा? फिर मैंने देखा तो वहाँ जब आया तो मेरे बच्चे को वहाँ डॉक्टर साहब बोले कि ख़त्म हो गया। तो कब से काम कर रहे हैं आप? 5-6 महीने से काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको ये गिरने से हुई या मारपीट से हुई कैसे? हमारी तो समझ में सर है कि मारपीट हुई उसके साथ। पूरी तक भी घटना की सच्चाई सामने अभी तक जितनी भी तफ्तीश इस मामले की हुई है ऐसी जानकारी निकल के आई है कि अर्जुन नगर में एक बिल्डिंग है निर्माणाधीन जिसमें काम चल रहा है और वहाँ पर जो लोग लेबर मौजूद थे उनका बताना ये है कि ये व्यक्ति जो है मृत्यु हुआ है गिर के और जो है मर गया है। तस्दीक और जितने भी लोग थे ये सब नदारद हो गए थे अस्पताल छोड़ने के बाद, जिस बात की तस्दीक की जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ। शहर के बेसकीमती जमीन का ही बिल्डरन का दीन जाला है। विकास के नाम पर जो लोग कई एक बरस से वहाँ बसे हैं उनका हटावा जाला है। यही क्रम में ही रिवर फ्रंट में बसे लोगों का कड़कड़ाट ठंड में बेघर कीन जाला है। मामला घोघर के पचमठा मंदिर के नियर के आज जहाँ 3 दशक से रह रहे परिवार का आसियाना का उजाड़ दीनगा जो कड़कड़ाट ठंड में खुला आसमान के नीचे अब रहे का मजबूर हाँ। आई अपनों को दिखाई थे कड़कड़ाट ठंड और बारिश के बीच मां गिरावा का आवाज और सुनाई थे पीड़ित का कि उनका का कहब है। ऋषिकुंज आश्रम में बहुत दिन पुराने से रह रहे हैं। स्वामी ऋषि कुमार के जमाने में मैं रह रहा हूँ। यहाँ रहते रहते हमको यहाँ बीत गया। सब्जी भाजी मैं लगाता था, इनको भी देता था, अपना भी पेट पालता था। लेकिन यहाँ अब जो घर गिराया जा के वो बनी है कि अब घर गिरा रहे हैं, यहाँ शासन जो है तो घर गिरवा रहा है। वहाँ जी हमारे आश्रम में 2002 में मैं आया था यहाँ पढ़ने के लिए, तब से यहाँ पर खेती का काम करते थे और अभी भी यहीं पर रहते हैं और इनको आवास यहाँ पर नहीं मिला है जो इनको मिलना चाहिए।
बुलेटिन की अगली खबर ही चोराटा थाना क्षेत्र से, जहां संदिग्ध गतिविधि खूब फल फूल रही है, जो ने के स्थानीय युवक खुलासा करें स्थानीय युवक यह खुलासा करें जो बताएं के थाना क्षेत्र में ही कौनमेर से अवैध कारोबार पुलिस के संरक्षण में फलत फूलत लाभ है। युवक एक वीडियो उपलब्ध कराए जो ने मऊ दावा करें कि यह वीडियो खुद बनाई नहीं है, जो ने माही किराना की दुकान में खुलेआम शराब और गांजा के बिक्री हो लाही है। युवक थाना प्रभारी चोराटा का सूचना दीन ता प्रभारी समय पर दबिश नहीं दीन साथ है, जब दबिश से पहुंची तब पूरी तरीके से जाँचो नहीं करीन और वहाँ उल्टा शिकायत करते के ऊपर गाली गलौच और झूठे मामला में फंसावे के धमकी दे दी। कल किसी को कुछ नहीं मिला तो टीआई ने मुझसे बोला कि तुम उसको गाली क्यों दिए, तो सामने वाले व्यक्ति को बोलता है टीआई कि इसको इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ, चलो चलो मेरे साथ थाने रिपोर्ट लिखवाओ। मैंने बोला ठीक है चलिए आप, तो मुझे बोलता है कि तुमको मैं जूते से मारूंगा, तुम्हारे गाल में जूते से मारूंगा, तो समझ में आ जाएगा तुमको मैं ब्राह्मण हूँ, शुद्ध ब्राह्मण। बुलेटिन की अगली खबर माही महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश तिवारी मध्य प्रदेश सरकार में निशाना साधिन। श्री तिवारी कहें के भाजपा सरकार में भय भूख और भ्रष्टाचार ना हो के वादा के साथ चुनाव लड़े रही, पर जोने मेर से पत्रकारन के ऊपर झूठा मामला लगाए के जनता के आवाज़ का दबाई जाल लाही है, उसे सरकार के नाकामी झलकल लाही है। साथ ही श्री तिवारी झूठ एफआईआर दर्ज करे वाले थाना प्रभारी का तत्काल हटावे के मांग करें। ये पूरी तरीके से जो रामानंद पांडे ऊपर मुकदमा लगा और जो रामानंद पांडे जी के द्वारा आरोप के मुकदमा के विरोध में बोला गया, उससे स्पष्ट होता है कि ये राजनीतिक रंजिश है। और पत्रकारों के विरुद्ध जहाँ तक मुझे जानकारी है कि दिग्विजय सिंह की सरकार में एक आदेश हुआ था कि पत्रकारों के विरुद्ध थाना प्रभारी बिना उच्च स्तरीय जांच कराए प्रकरण कायम नहीं करेगा, यह सरकार के उस आदेश का खुला उल्लंघन है। और जिस अधिकारी द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि वो थानेदार के पद में रहने लायक नहीं है, और ये पत्रकारों के स्वतंत्रता पर बहुत बड़ी उखाड़ाघात है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से चाहता हूं, मेरी मांग है कि यदि आप लोकतंत्र की हत्या नहीं करना चाहते हो, पत्रकारों की आज़ादी पर आप अपने सरकारी तंत्र का अंकुश नहीं लगाना चाहते हो, तो रामानंद जी के ऊपर जो फर्जी केस लगाए गए हैं उन्हें वापस किए जाएं। बुलेटिन की अगली खबर रही मऊगंज तहसील से, जहां के माड़ा गांव में ही ईओडब्ल्यू के टीम छापामार कार्रवाई करें। यह कार्रवाई पीडब्ल्यूडी के टाइम कीपर के पदमाही पदस्थ पन्नालाल शुक्ला के घर पर कीन गई है। ईओडब्ल्यू का आय से अधिक संपत्ति के शिकायत मिली रही, जोने के बाद 25 सदस्य के टीम छापामार कार्रवाई करें। अब तक के कार्रवाई में 3 फोर व्हीलर वाहन और कई जमीनन के कागजों बरामद भे। माना यह जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग के टाइम कीपर के घर में बड़ी बेनामी संपत्ति के खुलासा हो सकत है। तो भैया बहने आज के बुलेटिन में इतना ही, बघेली में खबर देखे खिलाने देखत रहिए मारविंद के बघेली समाचार, साथ है चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर और जरूर करें। नमस्कार।